अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती मनाई जा रही है। देश विदेश प्रदेश और राजनाथ गांव के समस्त ब्राह्मण और अन्य समाज मिलकर परशुराम जयंती को जोर शोर से मनाने की तैयारी में लग गए हैं। बता दें राजनाथ गांव में परशुराम जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। तैयारी कैसी हो रही है आइए विस्तार से दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले GB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कुसुम ठाकुर। राजनाथ गांव में इस संदर्भ में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे थे। बता दें भगवान परशुराम को विष्णु का छठा अवतार माना जाता है और ब्राह्मण परशुराम को बहुत ही आदर से पूजते हैं। राजनाथ गांव गांधी चौक स्थित रामायण प्रचारक समिति के द्वारा परशुराम जयंती के एक दिन पहले भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो शहर भ्रमण करने के पश्चात गांधी चौक में समाप्त हुई, जिसमें सभी समाज के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। परशुराम जयंती कल है और आज ब्राह्मण समाज के नवयुवकों के द्वारा परशुराम जयंती के एक दिन पूर्व संध्या में भव्य मोटरसाइकिल यात्रा का यहां रामायण प्रचारक से शुभारंभ किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी ब्राह्मण समाज के नवयुवकों के द्वारा एक भव्य मोटरसाइकिल यात्रा निकाली जा रही है। भगवान परशुराम जी विष्णु जी के छठे अवतार थे और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान परशुराम जी की जयंती को पूरा ब्राह्मण समाज हर्षोल्लास से मना रहा है। इस बार जयंती के एक दिन पूर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से भव्य मोटरसाइकिल यात्रा का शुभारंभ रामायण प्रचारक से किया जा रहा है। साथ ही रामायण प्रचारक में प्रसादी की भी जो है वो व्यवस्था की गई है। मैं अपनी ओर से परशुराम जयंती के अवसर पर समस्त ब्राह्मण समाज को सभी समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GB24 न्यूज।